हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक, दैट इज प्रोपेगेशन ऑफ एरर। आज हम प्रोपेगेशन ऑफ एरर के अबाउट स्टडी करेंगे बेटा। हम एरर से रिलेटेड टॉपिक पिछली कुछ क्लासेस से स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि प्रोपेगेशन ऑफ एरर क्या रहता है। ये जो प्रोपेगेशन ऑफ एरर, ये जो वर्ड है प्रोपेगेशन, इसको कई बार कुछ बुक में आपको कॉम्बिनेशन ऑफ एरर भी लिखा मिलेगा, बोथ आर सेम थिंग, कॉम्बिनेशन। सो क्या है कि बेटा, हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, किसी भी टाइप का फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हम मेजर करते हैं, तो उसमें कई बार मेजरमेंट में एरर आता है। ठीक है, मान लो मेरे को दो फिजिकल क्वांटिटी मेजर करनी है, एक फिजिकल क्वांटिटी ए मेजर करनी है, दूसरी बी मेजर करनी है, तो दोनों ही लेंथ है। ठीक है, तो जब ए वाली फिजिकल क्वांटिटी को मैं मेजर करूंगा लेंथ को, तो उसमें पॉसिबिलिटी है एरर पॉजिटिव भी आए नेगेटिव भी आए, और बी वाली फिजिकल क्वांटिटी है उसको मेजर करूंगा तो सेम पॉसिबिलिटी यहां पे है, हो सकता है हम लेंथ को ज्यादा मेजर करें या कम मेजर करें, मतलब एरर आने की पॉसिबिलिटी है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो अब क्या है कि अब आपसे कोई पूछ ले कि आपने ए का मेजरमेंट कर लिया है विद एरर, आपने बी का मेजरमेंट कर लिया है विद एरर, तो अब जब दोनों लेंथ को मैं कंबाइन करूंगा तो उसमें एरर के साथ क्या होगा, एरर ऐड होगा या एरर सब्ट्रैक्ट होगा, वो ही चीज हम कहां देखेंगे आज, प्रोपेगेशन ऑफ एरर में। ठीक है, कई बार हमें दो फिजिकल क्वांटिटी को माइनस भी करना पड़ जाता है, उनको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ जाता है। फॉर एग्जांपल, आपको टेम्परेचर मेजर करना था, तो आपने टेम्परेचर मेजर किया सपोज करो 40 डिग्री, और उसमें एरर आने की पॉसिबिलिटी 1 डिग्री की है, देन और एक आपने दूसरा टेम्परेचर मेजर किया दैट वाज 20 डिग्री, और उसमें एरर आने की पॉसिबिलिटी 0.5 डिग्री है। ठीक है, अब आपसे पूछे कि दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस बताओ, तो मेन टेम्परेचर में से तो मेन टेम्परेचर आप माइनस कर दोगे, 40 में से तो 20 माइनस कर दोगे, जो बचे हुए एरर है उनका क्या होगा, वो चीजें आज हम स्टडी करेंगे इन आर टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। ठीक है, तो एरर बेसिकली जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे, वो स्टडी करेंगे एरर इन एडिशन एंड सब्स्ट्रैक्शन। फर्स्ट जो अपना केस रहेगा दैट इज एरर्स इन एडिशन ऑब्लिक सब्स्ट्रैक्शन। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, पहले हम एक जनरलाइज सिचुएशन देखेंगे, ठीक है, और वहां से देखेंगे कि एडिशन और सब्स्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, इसकी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन वाला जनरलाइज फॉर्मेट तो थोड़ा सा लेंदी है, बट इसको एक मिनट में आप ग्रैब कर जाओगे कि ये कॉन्सेप्ट कहे क्या है, और वो ही जरूरी होता है। ठीक है, अब देखो बेटा, यहां पे मेरे पास सपोज करो कि कोई दो प्लेट है, ठीक है, ये एक प्लेट है, दिस इज प्लेट फर्स्ट एंड दिस इज प्लेट सेकेंड। ठीक है, मेरे पास ये जो प्लेट वन है, इसका जो एरिया है, इसका एरिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका एरिया कितना है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जब मैंने इसको इसका मेजरमेंट किया, तो जब ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू मैंने फाइंड आउट की, तो इसमें एरर आने की पॉसिबिलिटी थी पॉजिटिव या नेगेटिव, वो थी 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर की। सिमिलरली जो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया मैंने सेकेंड प्लेट का मेजर किया, इसमें एरर आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा थी, 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस प्लेट ए का एरिया मेजर किया, प्लेट बी का एरिया मेजर किया। ठीक है, सो अब हम बात करें एरिया ऑफ मेजर्ड एरिया ऑफ, यहां पे ऐसे लिख देता हूं मैं, मेजर्ड एरिया ऑफ प्लेट वन। प्लेट वन का एरिया कितना मेजर किया आपने, सपोज करो मैं कहता हूं ए वन, कितना एरिया मेजर किया ए वन, और उस ए वन की वैल्यू कितनी थी बेटा, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया था। ठीक है, और मैं फिर सेकंड प्लेट की बात करूं, तो एरिया ऑफ जो सेकंड प्लेट है वो कितना है, सपोज करो ए टू है,
ठीक है, और वो ए टू एरिया जो हमने मेजर किया वो कितना था, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब मैं आपसे पूछूं कि बेटा आप ये बताओ कि टोटल एरिया कितना है, टोटल मेजर्ड एरिया कितना है, टोटल मेजर्ड एरिया। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल एरिया, इसका एरिया A1 मेजर किया, इसका A2 एरिया मेजर किया, तो टोटल एरिया मेजर किया वो कितना था, A। कितना मिला बेटा अपने को, A। तो उस A की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें दोनों एरियाज को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, सो अब यहां पे A1 की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, प्लस जो सेकंड वाला एरिया है A2, उसकी वैल्यू पुट करो, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे कोई ये पूछे कि टोटल एरिया कितना होगा, तो आप क्या करोगे बेटा, टोटल एरिया कितना है, इस प्लेट का 5 था, इसका 3 था, तो 5 और 3 को ऐड कर दो, टोटल एरिया आपका कितना बनेगा, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसके बाद में आपके पास बच गए एरर, आप इन एरर का क्या करोगे, पहले में एरिया एरर आने की पॉसिबिलिटी थी 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर की, और इसमें थी 0.2 की, जब दोनों एरिया को ऐड करोगे तो एरर भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि एरर का नेचर भी क्या होता है, एडिटिव इन नेचर, मतलब आपने पहले यहाँ पे गलती की 0.1 की, चाहे पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव में, चाहे वैल्यू आपने कम मेजर की या ज्यादा की, ठीक है, सिमिलरली आपने यहाँ मिस्टेक, आपसे एरर कितना हुआ 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर का, तो जब दोनों का एरिया हम टोटल निकालेंगे तो ये एरिया, ये जो एरर होता है ये भी ऐड हो जाएगा, तो अब जो ये वैल्यू मिलेगी आपको 8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0.1 था बेटा अपने, नहीं 3 था, ठीक है कोई बात नहीं। अब यहाँ पे जो यहाँ पे एक जगह एरर कितना बन रहा था 0.1 और दूसरी जगह कितना बना 0.2, तो दोनों का जो कंबाइंड एरर आएगा वो कितना आएगा 0.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आपका फाइनल एरिया आ चुका है ये, ठीक है, मतलब दोनों प्लेट का कंबाइंड एरिया कितना बना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ये वैल्यू मिली आपको एरिया की, ठीक है, सो आपके पास एरिया तो कितना आया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया में एरर कितना आया 0.3 सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो जब ऐसे हमें दो एरिया का एडिशन करना हो तो ये रूल हम फॉलो करेंगे, ठीक है। फिर मैं आपसे पूछता हूं डिफरेंस बिटवीन बोथ एरिया, दोनों एरिया में डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस बिटवीन बोथ एरिया, मतलब दोनों एरिया में डिफरेंस कितना है, एक का एरिया कितना था A1, इसका एरिया कितना था A2, तो दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे, ज्यादा में से कम वाला माइनस कर दो, A1 माइनस A2। सो इस केस में फर्स्ट का एरिया कितना था 5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस में दोनों एरिया का माइनस करो, दूसरे का एरिया कितना था, ये था 3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब दोनों का डिफरेंस निकालो, आप दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये माइनस माइनस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये देखो यहाँ पे माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस इस माइनस को क्या करेगा, प्लस 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे आपसे पूछे कि नेट एरिया कितना बचेगा, तो 5 में से 3 मेन एरिया में से मेन एरिया माइनस हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों एरिया का डिफरेंस है, इन दोनों के डिफरेंस, दोनों एरिया में जो डिफरेंस आएगा एरिया का वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, ये आपने कैलकुलेट कर लिया। बात अब ये आती है कि एरर का क्या होगा, बेटा एरर इज ऑलवेज एडिटिव इन नेचर, एरर हमेशा एडिटिव इन नेचर होते हैं, तो एरर ऐड होंगे, यहाँ पे एरर 0.1 का था, यहाँ पे एरर 0.2 का था, अब ऐड हो जाएंगे दोनों एरर हर बार हमेशा, तो यहाँ पे आप लिखोगे प्लस माइनस
जो वैल्यू मिलेगी 0.1 और 0.2 का सम कितना बनेगा 0.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ पे नोट कर ले, नोट, एरर इज ऑलवेज एडिटिव इन नेचर, एरर इज ऑलवेज एडिटिव इन नेचर, एरर हमेशा एडिटिव इन नेचर होते हैं। बेटा एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट से मैंने आपको ये बता दिया है कि एरर को ऐड करें, जब दो फिजिकल क्वांटिटी जिनमें एरर है उनको ऐड करेंगे तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, और उनमें जो एरर आया उसका क्या होगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया है तो अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये समझ में आ गया है आपको तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है अभी। ठीक है, अब डिस्कस करेंगे हम एरर इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्ट। अब एरर इन एडिशन में हम क्या देखेंगे, सपोज यहाँ पे लेट डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर एब्सोल्यूट एरर इन ए एंड बी। हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी एक वैल्यू हम मेजर करते हैं ए और उस वैल्यू में एरर आ जाता है डेल्टा ए, और दूसरी जो वैल्यू मेजर करते हैं बी उसमें एब्सोल्यूट एरर आ जाता है डेल्टा बी। दोनों एब्सोल्यूट एरर आपको पता है ना, जब ट्रू वैल्यू में से आप इंडिविजुअली मेजर्ड वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हो तो एब्सोल्यूट एरर आता है। ठीक है, सो यहां पे अब एक बात बताओ, मैं ए वैल्यू मेजर करता हूं, मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए, जब मैंने कोई ए वैल्यू मेजर की, ए लेंथ हो सकता है, एरिया, हाइट, वॉल्यूम, इट कैन बी एनीथिंग, जब मैंने ए की वैल्यू मेजर की तो मेरे को जो वैल्यू मिली क्या मिली, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ए के साथ में उसका एब्सोल्यूट एरर या जो उसमें जो एरर आता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी, बी को मैंने मेजर किया तो एरर मिलने की पॉसिबिलिटी क्या थी, बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ये एरर मिला। ठीक है, अब आपको हम एडिशन की बात करेंगे। ठीक है, इन एडिशन अब हम यहां पे पहले एडिशन का केस डिस्कस करेंगे। ठीक है, एडिशन की बात करें तो मतलब आपने पहले एक वैल्यू को ए मेजर किया, बाद में बी मेजर किया और दोनों वैल्यू को ऐड करना पड़े। ठीक है, आपको वैल्यू ए और बी को ऐड करना पड़े तो इन दोनों को ऐड करने से आपको एक नई वैल्यू मिलेगी ना, दैट विल बी जेड, इसको आप जेड लिख सकते हो, सी लिख सकते हो, डी, ई, कुछ भी लिखो, मतलब ए और बी को ऐड करोगे। भाई सीधी सी बात है, आपने ए की वैल्यू मेजर की 10, बी की मेजर की 5, तो 10 प्लस 5 करोगे तो 15 एक नई वैल्यू मिलेगी ना, जेड। ठीक है, जेड वो वाली वैल्यू है। अब एक बात बताओ, आपको पता है जब आपने दोनों इन एडिशन, एडिशन का केस ये बनेगा, जब ऑन इंट्रोड्यूसिंग एरर, जब हम मेजरमेंट करेंगे तो एरर तो आएगा, ऑन इंट्रोड्यूसिंग एरर इन ए बी सी एंड जेड, जेड में भी अपने आप इंट्रोड्यूस हो जाएगा एरर, देखना। देखो आपको पता है जब आप ए की वैल्यू मेजर करोगे तो उसमें प्लस माइनस डेल्टा ए एरर आ सकता है, आएगा प्लस माइनस डेल्टा ए, बी को मेजर करोगे तो बी में भी एरर आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, अब एक बात बताओ, पहले तो ए और बी ऐड होने से आपको जेड मिल रहा था, अब एरर किस में आ गया है, ए में भी है और बी में भी है, तो इन दोनों के होने से एक एरर आ जाएगा जेड में भी, जेड में जो एरर आएगा प्लस माइनस डेल्टा जेड, ये कंबाइंड एरर है, ये प्लस माइनस डेल्टा जेड क्या है, कंबाइंड एरर है जो ए और बी के कॉम्बिनेशन से बना है। ठीक है बेटा, अब एक बात बताओ, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट बोल देता हूं, दिस इज माई इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां पे हम जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, अब ए और बी को कंबाइन करके लिखो तो ए प्लस बी मैंने लिख दिया यहां पे, इन दोनों को कंबाइन कर दिया यहां पे ए और बी को, फिर प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, इसको लिख देता हूं प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है बेटा, ऐसे मैंने लिख दिया। अब यहां पे चलते हैं हम इससे आगे, फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से मैं क्या कह सकता हूं, इस वाली इक्वेशन को लिखो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ए प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूं, जेड लिख सकता हूं, बिल्कुल यहां जेड लिखा, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, दोनों तरफ जेड से जेड मैं कैंसिल आउट कर दूंगा और फाइनली अपने को मिलेगा प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, सो एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे हमारे पास, हमें ये जो जेड है ना, जेड ये क्या चीज है, कंबाइंड एरर है, जेड क्या है, कंबाइंड एरर इन ए एंड बी, ए और बी की जो, ए और बी में जब मेजरमेंट किया, ए में एरर कितना था प्लस माइनस डेल्टा ए, बी में एरर कितना था प्लस माइनस डेल्टा बी, तो इन दोनों का एडिशन मतलब कंबाइंड एरर हो गया, जेड अपने पास ए और बी का कंबाइंड एरर है। ओके, सो हमें जेड की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये कुछ इक्वेशन है। ठीक है, हमारी इक्वेशन ये बन चुकी है, दिस वन। अब यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है, आपको जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो यहाँ पे कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, अब देखो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, पहले मैंने इसको पहले वाले को प्लस डेल्टा ए लिखूंगा, ऊपर वाले का प्लस लिया प्लस डेल्टा बी, जेड डेल्टा जेड की वैल्यू ये हो सकती है। ठीक है, दूसरे केस में क्या लिख सकता हूं मैं, डेल्टा ए को प्लस लिया और बी को क्या लिया, माइनस लिया, फिर डेल्टा ए को माइनस लिया और बी को क्या लिया, प्लस लिया। ठीक है, और फिर लास्ट पॉसिबिलिटी क्या है, माइनस डेल्टा ए, डेल्टा ए को माइनस लिया और बी को मैंने माइनस लिया, मेरे पास चार पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, और मैंने आपको एक चीज बताई है, सिंस एरर इज एडिटिव इन नेचर, एरर का कैसा नेचर है, सिंस एरर इज एडिटिव इन नेचर, एरर हमेशा एड होगा, एरर सब्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो एडिटिव नेचर वाली पॉसिबिलिटी अपने पास ये वाली है, प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो अब मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, यहां पे फाइनली, सो फाइनली व्हाट कैन आई राइट, प्लस माइनस डेल्टा जेड, डेल्टा जेड की वैल्यू आपको निकालनी हो तो आप क्या करोगे, प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक है, ये यहां पे आप लिख दो, सो फाइनली मैक्सिमम पॉसिबल एरर की वैल्यू आप ये लिख सकते हो। ठीक है, आपको फाइनल रिजल्ट लिखना हो, फाइनल रिजल्ट तो जब भी फाइनल रिजल्ट आप लिखोगे तो एक बात बताओ, आपको फाइनल रिजल्ट आपका क्या बनेगा, देखो आपको ए और बी की वैल्यू, आपके पास ए की मेजर्ड वैल्यू थी, बी की मेजर्ड वैल्यू थी विद एरर। ठीक है, आपको इन दोनों को एडिशन करना था ना, तो इन दोनों को ए और बी को ऐड करने से आपको क्या मिला, जेड मिला, तो आपका फाइनल रिजल्ट जेड होगा, फाइनल रिजल्ट क्या रहेगा, जेड, ये जेड लिख दिया। लेकिन ए में एरर होने और बी में एरर होने से दोनों से आपको ये पता चला कि जेड में भी एरर आ जाएगा, हो सकता है ये पॉजिटिव एरर हो सकता है ये नेगेटिव एरर हो, तो फाइनल रिजल्ट आपका हो जाएगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। नेक्स्ट टॉपिक, अब हम इसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, आप न्यूमेरिकल देखो आपको एग्जाम में किस टाइप के न्यूमेरिकल मिलेंगे। ठीक है, सो देखते हैं हम न्यूमेरिकल आपको कैसे मिलेंगे, क्या है बेटा, सपोज करो इफ ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, ठीक है, इस जैसा ही है, सिमिलर एनसीईआरटी के, इफ टू रेजिस्टेंस ऑफ 300 प्लस माइनस 3 ओम, ये एक रेजिस्टेंस है, एंड 100 प्लस माइनस 2 ओम, ये हमारे पास दो रेजिस्टेंस है सिमिलर एनसीईआरटी के एग्जैक्ट। ठीक है, तो एक रेजिस्टेंस है 300 प्लस माइनस 3 ओम का, दूसरा है 200 प्लस माइनस
2 ओम का, कनेक्टेड इन सीरीज, दोनों सीरीज में कनेक्ट है, कनेक्टेड इन सीरीज। आपसे पूछता है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो। ठीक है बेटा, आपको पहला दो रेजिस्टेंस है, पहला है उसकी वैल्यू कितनी है रेजिस्टेंस की, 300 ओम है, बट प्लस माइनस 3 ओम का मतलब है हो सकता है 3 ओम की रेजिस्टेंस ज्यादा हो कम भी हो। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे एक 100 ओम वाला रेजिस्टेंस है, इसकी भी रेजिस्टेंस 2 ज्यादा हो सकती है कम हो सकती है, तो हम इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो एक बात बताओ, पहला रेजिस्टेंस कितना है R1, R1 की वैल्यू कितनी है 300 प्लस माइनस 3 ओम। सेकंड रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू है 100 प्लस माइनस 2 ओम। आपको दे रखा है इन सीरीज, सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट जब रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट करते हैं तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होती है, R, R क्या होगा, दोनों रेजिस्टेंस को आपको ऐड करना पड़ेगा, R1 प्लस R2, तो ऐड कर दो, R1 की वैल्यू कितनी है 300 प्लस माइनस 3, ठीक है, ओम, प्लस R2 की वैल्यू कितनी है 100 प्लस माइनस 2, ठीक है। अब आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस या नेट रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी हो तो आप क्या करोगे, दोनों को ऐड करो, 300 और 100 कितना 400। अब वही बात आ गई, इसमें एरर प्लस माइनस 3 है, इसमें एरर कितना है प्लस माइनस 2 है, सिंस एरर इज एडिटिव इन नेचर, एरर हमेशा ऐड होगा, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा प्लस माइनस 5। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, सो आपका फाइनल रेजिस्टेंस ही आ जाएगा 400 था फाइनल। ठीक है, ये वही है जेड है और ये प्लस माइनस डेल्टा जेड है, मतलब ये तो रेजिस्टेंस की फाइनल वैल्यू है, ये उसमें कंबाइंड एरर है दोनों रेजिस्टेंस का। सो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे और आप चुटकियों में कर दोगे, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस वाली बातें नहीं है। ठीक है, अब सबस्ट्रेक्शन का केस डिस्कस करेंगे, इसको मैं रब कर देता हूं, करेंगे एरर इन सबस्ट्रेक्शन, एरर्स को हम सबस्ट्रेक्शन में डिस्कस करेंगे, एरर्स इन सबस्ट्रेक्शन। जब सबस्ट्रेक्शन हो रहा हो तो क्या होगा, ठीक है, जैसे एडिशन था वैसे ही केस है, लेकिन हमें जनरलाइज व्यू कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको करना पड़ेगा सीबीएसई के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज एप्लीकेशन तो आपको इसकी आती है, ठीक है ना, एक न्यूमेरिकल दूंगा आप कर दोगे, ठीक है, लेकिन ये जनरलाइज व्यू भी आपके लिए पढ़ना बेहद जरूरी है। सपोज करो यहाँ पे मेरे पास में दो, एक तो डेल्टा ए और एक डेल्टा बी, दोनों एब्सोल्यूट एरर है, आर एब्सोल्यूट एरर, मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में चलूंगा, ए एंड बी आर एब्सोल्यूट एरर इन ए एंड बी, ए और बी है उसमें डेल्टा ए और डेल्टा बी का एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है। सो मैं ए की वैल्यू मेजर करता हूं, मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए कितनी होगी, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी क्या रहेगी, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब हमें इन सब्सट्रैक्शन, हमें दो फिजिकल क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करना है, ऐसी सिचुएशन है, इन सब्सट्रैक्शन क्या होगा, आपको ए और बी को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो दोनों की सब्ट्रैक्ट करने से आपको एक नई फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू 15 थी, इसकी वैल्यू 8 है, बी की, ए की वैल्यू 15 है, बी की वैल्यू 8 है, तो 15 में से 8 माइनस करेंगे तो 7 मिलेगा, तो 7 क्या है, एक नई वैल्यू होगी ना, जेड, जेड ही अपने पास ए और बी को सब्ट्रैक्ट करने के बाद की वैल्यू है, ठीक है। लेकिन हमें पता है ये तो सिंपल एक सब्सट्रैक्शन का केस हुआ, ठीक है, लेकिन हम जब मेजरमेंट करते हैं तो एब्सोल्यूट मेजरमेंट करते हैं तो क्वांटिटीज में एरर आते हैं, तो क्या होगा, तो अब आप यहां पे लिखो On introducing absolute error, on introducing absolute error in measurement, जो measurement कर रहे हैं उसमें absolute error तो आएंगे, उनको भूल नहीं सकते, कितना error आएगा, A में plus minus delta A error आ सकता है, B में minus, ठीक है, B में कितना आएगा plus minus delta B, ठीक है, और फिर
ए और बी को माइनस कर रहे हैं तो माइनस करने से जेड आपको मिलता है, लेकिन ए में एरर आ गया, बी में एरर आ गया, तो इन दोनों का कंबाइंड एरर किस में आ जाएगा? जेड में। मतलब जेड क्या चीज है? ए और बी का कंबाइंड एरर है, ठीक है। सो अब इसको आगे हम सोल्व करेंगे, डेल्टा जेड है बेटा, इसको डेल्टा जेड, ठीक है। सो अब आप इसको सोल्व करोगे, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड ए, अब इसको सोल्व करो इक्वेशन को, ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा? माइनस, ये क्या हो जाएगा? प्लस डेल्टा बी। ये तो सिंपल मैथ है, आप सोल्व कर लोगे। अब आप इसको ये लिख पाओगे, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए माइनस बी लिखो, यहाँ पे लिखो प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी, आपने इसको ऐसे लिख लिया, ठीक है बेटा। अब एक बात बताओ, ये जेड इज इक्वल ए माइनस बी है, ए माइनस बी को आपने जेड लिखा है, मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको यहां पे लिख देता हूं इस इक्वेशन को, ठीक है। तो यहां पे ये इक्वेशन क्या है आपके पास में, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड ए माइनस बी और प्लस माइनस डेल्टा ए और माइनस प्लस डेल्टा बी, ये आपके पास में फाइनल वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे ए माइनस बी को, ए माइनस बी को मैं जेड लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो आप यहाँ पे लिखिएगा बेटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप ए माइनस बी को जेड लिख सकते हो, तो यहाँ पे क्या बनेगा, जेड प्लस माइनस जेड ये तो है ही, ए माइनस बी को जेड लिखो, प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। अब आप यहाँ पे जेड से जेड को कैंसिल आउट करेंगे, आपको वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। जेड कंबाइंड एरर है ए और बी में, ए और बी दोनों मेजर्ड वैल्यू में जो कंबाइंड एरर है उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, जेड है, ठीक है। अब एक बात बताओ, हमें जेड की वैल्यू तो यहीं से निकालनी पड़ेगी ना, इन दोनों से, ठीक है। तो अब ये देखो यहाँ कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, फोर पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे, प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। बेटा इनमें से हमें मैक्सिमम एरर कौन देगा, जब दोनों क्वांटिटी क्या हो, प्लस हो, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो आप यहां पे लिखोगे, सो मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन मेजरमेंट, मेजरमेंट में मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना रहेगा वो देखो, कितना रहेगा, ये तो देखो प्लस माइनस डेल्टा जेड, प्लस माइनस डेल्टा जेड, कभी आप क्वेश्चन इसको इसका प्लस माइनस क्यों नहीं लिया, इसका रोल नहीं है, इसकी वैल्यू तो खुद किस पे डिपेंड कर रही है, डेल्टा ए और डेल्टा बी पे डिपेंड कर रही है। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना होगा यहाँ पे, प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, यहाँ पे लिख भी दो, बिकॉज एरर इज एडिटिव इन नेचर, एरर का नेचर कैसा होता है, एडिटिव होता है। तो एरर सब्सट्रैक्शन के केस में भी आप देखोगे क्या होगा, एड होगा। तो देखो हमने किया था दोनों मेजर्ड वैल्यू का सब्सट्रैक्शन ए माइनस बी, लेकिन उनमें जो एरर आता है, एरर ए वाला और बी वाला दोनों एरर है, एड हो जाते हैं, ठीक है। एक ऐसा ही केस हम देखते हैं, इसको मैं रब कर देता, ठीक है बेटा, यहां पे एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। मेरे पास यहां पे दो टेम्परेचर की वैल्यू है, ठीक है, सपोज यहां पे क्या है मेरे पास, दो टेम्परेचर की वैल्यू है, इफ टी वन टेम्परेचर, इफ टी वन टेम्परेचर आपको गिवन है, दैट इज 30 डिग्री प्लस माइनस 1 डिग्री, 30 प्लस में 1 डिग्री सेल्सियस, ऐसे लिख लो 30 प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस, ये फर्स्ट टेम्परेचर है, एंड टी टू दूसरा टेम्परेचर है 50 प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस, दो टेम्परेचर है, और आपसे पूछता है फाइंड टेम्परेचर डिफरेंस, दोनों टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस निकालो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, टेम्परेचर डिफरेंस निकालने के लिए ज्यादा में से कम वाले टेम्परेचर को माइनस कर दो या कम में से ज्यादा वाले को कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पे
बाय डिफॉल्ट क्या कर रहा हूँ, ज्यादा में से कम टेम्परेचर को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, जब मैं T2 माइनस T1 करूँगा, T2 माइनस T1 करूँगा, तो मेरे को नया टेम्परेचर मिलेगा, वो क्या मिलेगा, T मिलेगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? सो इस केस में आपको T2 माइनस T1 करना पड़ेगा, ठीक है। सो T इज इक्वल टू, अब आपके पास में ये जो T2 टेम्परेचर है, दैट इज 50 प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस, माइनस में T1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 30 प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस, ये वाली वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस निकालो आप, कितना आएगा, ये सोल्व करो, 50 प्लस माइनस 2, ठीक है, डिग्री सेल्सियस बाद में लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस 30, ये माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये सारी चीज किसमें है, डिग्री सेल्सियस में है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे बताओ, ये 50 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 20 डिग्री, माइनस तो आपने कर दिया 20 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे वैल्यू आपके पास है, यहाँ प्लस एरर कितना है, प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे कितना है, माइनस प्लस 1 डिग्री सेल्सियस। सब्स्ट्रैक्शन कर रहे हो कोई बात नहीं, चाहे वैसे को, लेकिन एरर हमेशा एडिटिव इन नेचर होता है। तो यहाँ 2 एरर है, यहाँ पे 1 एरर है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना होगा, दोनों एरर को एड कर दो तो आपके पास वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस 3 डिग्री सेल्सियस, ये आपका आ जाएगा दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे ये जो है, ये तो टेम्परेचर का मेन डिफरेंस आएगा, और ये आ जाएगा डेल्टा टी की वैल्यू, क्या आ जाएगी, डेल्टा टी की वैल्यू, ठीक है। तो इस टाइप के जो न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आए, ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर दोगे, और आपने बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट देख लिया है, एरर इन एडिशन एंड सब्स्ट्रैक्शन। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एरर इन मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड इन अनदर फॉर्मेट आल्सो। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।